गाइस कल हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या मिस्टेक थी। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा डोर है। नॉर्मली क्या होता है, जब डोर को कोई ओपन करेगा उस टाइम पे हिकविजन के डीवीआर को अलार्म देना चाहिए, हूटर बजना चाहिए, बट हमने उल्टा किया। हम जब डोर क्लोज कर रहे थे उस टाइम पे अलार्म बज रहा था। तो ये देखिए, हमारा अलार्म बजना शुरू हो गया, स्क्रीन पॉपअप हो चुकी है। तो अभी मैं वापस करूंगा, ओपन करूंगा तो ये अलार्म बजना बंद हो जाएगा। 1 2 3 4 5, तो ये अलार्म हमारा बजना बंद हो चुका है। तो अभी देखिए, इसकी सेटिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सिंपली हमने मेन मेन्यू में जाना है, मेन मेन्यू में हम जाएंगे, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर जाएंगे, देन यहाँ पर देखिए इवेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद अलार्म इनपुट पर क्लिक करना है, यहाँ पर एडिट पर जाएंगे और यहाँ पर टाइप NO है, इसको आपने NC करना है और उसके बाद सिंपली अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद ये देखिए, हमारा जो हूटर है वो बजना शुरू हो गया, हमारा जो DVR है वो रिबूट होगा। सो गाइस, हमारा जो DVR है वो रिबूट हो चुका है। अभी हम देखिए, हमारा गेट क्लोज है, सेंसर हमारे दोनों क्लोज है, इसको जैसे ही हम ओपन करते हैं और ये देखिए, हमारा जो हूटर है वो बजने लग गया, स्क्रीन हमारी पॉपअप हो चुकी है, एक सिंगल कैमरे पर सारा फोकस है। जैसे ही हम इसे वापस से क्लोज करेंगे और 5 सेकंड के बाद हमारा हूटर बंद हो जाएगा। 1 2 3 4 5, तो ये हमारा हूटर बंद हो गया।